सो हेलो दोस्तों, आ गई नई वीडियो। मेरा आज का वीडियो हमारा एक नए बॉक्स ऊपर, जिसमें कि माल आया हुआ है। मेरे पास बहुत सारा माल आया हुआ है, एकदम नई क्वालिटी में बन के और नए तरीके से बन के आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो देखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये माल आया हुआ है मेरे पास DSLine की तरफ से, जो कि बहुत सारा माल है इसमें। और इस गत्ते का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा प्राइस है, मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, सारा माल अनबॉक्स करते फिर आपको दिखाते हैं कैसा क्या माल आया हुआ है। तो चलिए इसको खोलते हैं गत्ते को। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जगह थोड़ी कम हो रही है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके माल आए हुए हैं यहाँ पर। ये पैकेज आए हुए हैं जो कि माल पैक करने लिए हैं। तो यहाँ पर पीसेस कुछ आए हुए हैं, वो मैं निकाल लेता फिर आपको दिखाता हूँ। तो सारा माल एकदम इम्पोर्टेंट है, बढ़िया क्वालिटी का है। मैं इसको नीचे रख लेता हूँ गत्ते, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे बोर्ड आए हुए हैं, और सारे बोर्ड मैंने निकाल कर रखे हुए हैं। सारे बोर्ड एकदम दमदार हैं, अच्छी क्वालिटी में। मैं आपको सारे बोर्ड एक एक करके दिखाने वाला हूँ, और ये सारे बोर्ड यहाँ से हटा करके एक एक करके दिखाऊंगा आपको। जो भी बोर्ड पसंद आए आप ले सकते हैं, और सारे बोर्ड आपके ऑल इंडिया डिलीवरी हो जाएंगे। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और जो व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो मैं आपको सारे बोर्ड का प्राइस बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसको यहाँ पर हटा लेते फिर आपको एक एक करके दिखाते हैं, ठीक है। तो पहले चलिए ये वाला खोलते हैं, इसको दिखाते कौन सा बोर्ड आया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास आया है ये मोनो, जो कि 6 MOSFET में है, देख सकते हो आप। इसका हीट सिंक भड़के आ गया है और कनेक्टर भी चेंज हो चुके हैं। तो मैं इसको खोलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, मोनो आ चुका है। ये हमारा मोनो बोर्ड है, जो कि पहले किस तरीके का दिखता था अभी किस तरीके है। यहाँ पर देखिए कनेक्टर भी चेंज हो चुका है, कनेक्टर एकदम बेहतरीन क्वालिटी का लगा दिया गया है। और जो कि पहले था वो यहाँ पर कनेक्टर लगाने वाला, अभी क्या है बोल्ट कसने वाला हो चुका है। और यहाँ पर एक डायबोर्ड भी लगा दिया गया है, ताकि उल्टे तार लगने पर ये डायबोर्ड जो है वो बोर्ड को फूकने से बचा सके, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए ये PCB बढ़ के आ चुकी है। ये PCB पहले हीट सिंक के नीचे नहीं थी, अभी हीट सिंक के नीचे आ गई है। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर के ऊपर लगा रहता था हमारा पूरा बोर्ड, अभी क्या है कि इसमें बोल्ट कर सकते हो, तो ये हमारा बोर्ड जो है मजबूत हो जाएगा थोड़ा सा। इस तरीके से ये PCB बढ़ के आ गई है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, तो ये देख सकते हो आप, ये भी आ चुका है। जो भी लेना चाहे ले सकता है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा बोर्ड दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर ये दूसरे बोर्ड आ चुके हैं, इसमें ये भी आपको दिखाते हैं। तो इसके अंदर आएंगे मोनो बोर्ड, ये हमारे 200 वोल्ट के हैं। ये भी ज़बरदस्त क्वालिटी है, इसमें आप 12 इंची 15 इंची स्पीकर चलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़बरदस्त चलता है एकदम, 30-30 से, 24-24 से, 35-35 से, 40-40 से चला सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी क्वालिटी। और इसका जो ट्रांजिस्टर है वो भी आप देख सकते हैं, 5200 लगा हुआ है। मैं अभी पॉलिथीन इसलिए नहीं हटा रहा हूँ, क्योंकि पॉलिथीन दिखाऊँगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा हमारा। तो चलिए इसको बैठा देते हैं, फिर दूसरा बोर्ड दिखाते हैं आपको। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे बोर्ड की तरफ। यहाँ पर एक बोर्ड आया हुआ है मेरे पास, जो कि DC बोर्ड है ट्रैक्टर वाला, और ये भी ज़बरदस्त क्वालिटी आई हुई है, ठीक है। इसको मैं खोलता हूँ। ये देख सकते हो, सॉरी दोस्तों, ये DSLine बन के आया हुआ है, BPLM नहीं है। इसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा है, और आप इसकी शाइनिंग देख सकते हो इस तरीके बन के आया हुआ है, और ज़बरदस्त क्वालिटी एकदम लगी हुई है। पीछे देख सकते हो आप, पीछे एकदम बढ़िया क्वालिटी से सोल्डिंग है इसकी, साफ़ सुथरी सोल्डिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे भी चलाओ इसको। ये हमारा स्टीरियो है, 100+100 है, और 50-50 का इसका सप्लाई लगा हुआ है, जो कि SMPS बोल सकते हो, जो पावर सप्लाई है वो 50-50 का है। यहाँ पर देखिए 22 टेबल बोर्ड लगी हुई है, ये भी हमारी बहुत अच्छी है, एल्टोन की है, और ये भी आपको मिल जाएगी, जो भी लेना चाहे ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना भी PC होगा मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी पैक कर दे फिर दूसरा दिखाते हैं आपको।
यहाँ पर आई है स्पीकर प्रोडक्शन, जो कि स्टीरियो में डबल रिले लगी हुई है, देख सकते हो आप। स्टीरियो में बहुत ही अच्छा काम करता है, ये भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर देखते हैं इसमें कौन सा आया हुआ है। दोस्तों इसमें भी देखिए एक बोर्ड आया हुआ है मेरे पास, जो कि हमारा 300 वाट आउटपुट निकालता है। वैसे इसको 200 वाट बोलते हैं, लेकिन ये 300 वाट तक आउटपुट निकाल देता है, मेरे को इतना यकीन है। इसको मैंने चलाया है कई बार, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है ना। ये भी आपको मिल जाएगा, देख सकते हो आप। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसकी क्वालिटी एकदम दमदार है, ये देख सकते हो। शाइनिंग देखिए ज़रा, एकदम लाजवाब शाइनिंग है, बहुत ही साफ सुथरी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की शाइनिंग की गई है। और सफाई देखिए आप, एकदम पीसीबी एकदम दमदार बनी हुई है, बहुत ही साफ़ सुथरा बोर्ड, क्लियरली एकदम अच्छी क्वालिटी का बन के आया हुआ है। यहाँ पर देखिए कनेक्टर कितना ज़बरदस्त लगाया गया है इस बार, और बहुत ही साफ़ सुथरा करके बनाया गया है ये, ठीक है। तो जो भी लेना चाहे ले सकता है, ये भी बोर्ड आपको मिल जाएगा। और क्वालिटी एकदम लाजवाब हो चुकी है, बहुत ही दमदार क्वालिटी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, ठीक है। जो भी लेना चाहे ले सकता है। तो चलिए इसको भी पैक कर देते हैं, फिर दूसरा दिखाते हैं आपको। फिर ऐसे आपको सबके हमारे व्हाट्सअप के नीचे मिल जाएंगे आपको कैटालॉग में, सारे प्राइस पड़े होंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग गंदे कमेंट करते हैं, बहुत सारे उल्टे से कमेंट करते हैं, इसलिए मैं प्राइस नहीं बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके लिए सॉरी बोलूँगा आपसे। तो चलिए अब आपको दिखा दें दूसरा बोर्ड। तो चलिए यहाँ पर बड़ा बॉक्स आया हुआ है, इसमें देखते हैं कौन सा बोर्ड आया है, इसको भी खोलते हैं। तो यहाँ पर आया है 400 वाट, जो कि BPL में है, और बहुत भयंकर बोर्ड आया हुआ है, देख सकते हो आप। इसकी क्वालिटी देखिए आप, ज़बरदस्त, लाजवाब, बेहतरीन, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आप पीछे देखिए शाइनिंग, इसकी शाइनिंग एकदम बहुत अच्छी है, पन्नी के अंदर ही इतनी अच्छी दिख रही है, पन्नी से बाहर कितनी अच्छी दिख रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो कंडेंसर यूज किया गया वो 80 वोल्ट 3300 UF यूज किया गया, और वाइस टेबल भी IC वाला है। और क्वालिटी तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके बनाई गई है। इसको खोल के दिखाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको ऐसे दिखा देता हूँ आपको। 8 MOSFET में ये 5200 MOSFET लगा हुआ है, 5240, और ये 12 बोल्ट चलेगा हमारा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा बोर्ड दिखाते हैं आपको। आपको ये दिखाता हूँ, ये बोर्ड आया हुआ है मेरे पास, देख सकते हो, ये भी बेहतरीन क्वालिटी बन के आई है, 250 वाट मोनो, ये भी ज़बरदस्त क्वालिटी है, फ्लिप्स में पूरा। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। देख सकते हो दोस्तों इसकी क्वालिटी देखिए ज़रा, बहुत ही लाजवाब क्वालिटी है, फ्लिप्स में पूरा बनाया गया है, और क्वालिटी आप देख ही रहे किस तरीके है। 4 MOSFET में मोनो है ये, विद पावर सप्लाई साथ मिलता है आपको, और इसमें ज़्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है आपको, फुल कंप्लीट है। ये हमारा 250 वाट तक आउटपुट निकालता है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। इसका आप डायग्राम देख सकते हो किस तरीके बनाया गया है। यहाँ पर देखिए 1941 है, यहाँ पर लगा है 91-98, तो इसकी क्वालिटी ज़बरदस्त हो जाती है। इस वजह से इसके ऊपर 12 इंच 15 इंच चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही लाजवाब काम करता है ये हमारा। मैंने बहुत सारा बोर्ड बेचा है, और ये दोबारा भी मंगवा लिया, क्योंकि ये बोर्ड बहुत बिकता है, बहुत सारे लोग खरीदते हैं इसको, ठीक है। और ये मोनो में 250 वाट तक आउटपुट निकलता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बोर्ड आया हुआ है, ये सफ़ेद हीट सिंक में आया है, ये भी मोनो है। तो ये भी आपको क्या दिखाना है, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, अभी काली हीट सिंक में मैंने दिखाया था आपको, तो ये भी आपको दिखा चुका हूँ, ये बैठा देते हैं दोस्तों। इसमें एक नया बोर्ड आया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी देखिए, ये भी ज़बरदस्त क्वालिटी है, और ये है हमारा 2.1 में, ठीक है, DC बोर्ड है 2.1 में, जो कि बहुत लाजवाब बोर्ड है। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, काफ़ी हैवी बोर्ड है, काफ़ी भारी बोर्ड है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसका वाइस टेबल देखिए ज़रा कितना हैवी है, और ये बोर्ड देखिए, इसका बोर्ड भी बहुत हैवी है, 100+100 दो चैनल है, और एक चैनल है 200 वाट का, ठीक है।
जो कि स्टीरियो रहेगा हमारे सेटेलाइट लिए 100+100, और मोनो रहेगा हमारे 100 घर लिए, ठीक है। 50 रुपये की सप्लाई लगी हुई है, और इस तरीके के पीछे धानी देख सकते हो आप, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, आप लेना चाहें ले सकते हैं, ये भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखता हूँ इसमें कौन सा आया है। इसमें भी 2 पॉइंट बनाया हुआ है, जो कि हमारा BPL का है, ज़बरदस्त क्वालिटी है, और ये बन के आया हुआ है बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। इसका पावर सेक्शन देख सकते हो आप किस तरीके बनाया गया है, इसको मैं आपको खोल दिखाता हूँ, काफ़ी हार्ड पैकिंग है इसकी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है हमारा BPL का, जो कि ज़बरदस्त क्वालिटी आई हुई है, बहुत ही लाजवाब क्वालिटी। वायरिंग देखिए ज़रा आप कितनी हार्ड की गई है, और बोर्ड की शाइनिंग देखिए ज़रा, बोर्ड भी हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी बना के दिया गया है। आप टार्निशर देख सकते हो, आप टार्निशर देख सकते हो 5239 लगा हुआ है, और 713 नंबर लगा है, ठीक है, देख सकते हो आप। मैं आपको पास वाला दिखा रहा हूँ जूम करके, 713 नंबर है, बहुत ही लाजवाब क्वालिटी है, जो भी लेना चाहे ले सकता है। फुल कल्ट्रोन में है, लोकल कैपेसिटर कोई भी नहीं है, सब ओरिजिनल लगा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं दूसरे बोर्ड की तरफ, इसमें देखते हैं कौन सा बोर्ड आया हुआ है। ये देखिए ये भी हमारा DC बोर्ड है, और ये है 35 रुपये सप्लाई में, ठीक है, इसको भी खोल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त क्वालिटी बन के आया हुआ है, ये भी हमारा 5243 में है, और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये छोटा बनाया गया है, क्योंकि ये बहुत सारे कैबिनेट जो है छोटे छोटे होते हैं, उनके लिए बनाया गया है। ट्रैक्टर में ये भी चलता है हमारा, और इसका भी 5 टेबल IC वाला है, देख सकते हो आप, ये भी ज़बरदस्त क्वालिटी है, जो भी लेना चाहे ले सकता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत ही सुंदर क्वालिटी, और जहाँ भी चाहो इसको चला सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ऐसे वीडियो देखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।